क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में, इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड वन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा, देन प्रूव दैट ए कैप माइनस बी कैप का मॉड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 sin θ/2। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे किसी ने ये पूछा कि ए वेक्टर का मॉड क्या है, आंसर इज ए, बी वेक्टर का मॉड क्या है, बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा? तो काफ़ी लोग इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कोई सही करता है इसे कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ। कोई सही नहीं करता, कोई सोचता है कि मॉड लगाया ना, तो मॉड का मतलब कई लोग सोचते हैं कि ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। ये तो नहीं कम से कम करना, ठीक है, क्योंकि मॉड लगाने से पहले वो आपको क्या कैलकुलेट करने को दे रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो कह रहे पहले ये करो फिर जो आंसर आएगा उसका मॉड लगाओ। तो इसको ऐसे विजुलाइज करना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का नाम क्या है, आर वेक्टर, और हम क्या करेंगे उसका मॉड लगा, देखो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कैन बी रिटन एज आर वेक्टर, तो हम आर वेक्टर का मॉड निकालें या इसका मॉड निकालें, बात एक ही है। अब आर वेक्टर का मॉड क्या है, आर, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ। तो अगर आर का मतलब ये है तो फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का मतलब भी यही है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का मतलब है रिजल्टेंट का मॉड निकालना, और रिजल्टेंट का मॉड क्या होता है, इटसेल्फ आर होता है। तो आज के बाद अगर ये लिखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन अगर ये लिखा हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बस, तो इसका मतलब सिंपली आर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में ऐड करने के बाद तो वेक्टर ही मिलेगा, उसने मॉड नहीं लगाया इसमें। कोई डाउट है इसमें? ये स्टेप सबको क्लियर है? हमने ट्राइंगल ऑफ पैरेललोग्राम किया, ट्राइंगल ऑफ पैरेललोग्राम में क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करने के बाद एक नया वेक्टर आएगा, लेट अस सपोज आर वेक्टर, तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूं या मैं आर वेक्टर लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि रिजल्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के एडिशन को क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मॉड लेना या इसका मॉड लेना एक ही बात है। अगर हमने आर वेक्टर के आगे मॉड लगा दिया उसका मतलब आर होता है, आर लिखना या फिर आर वेक्टर का मॉड लिखना एक ही बात होती है, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का इफेक्ट खत्म हो जाता है मैग्नीट्यूड लगाने के बाद। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड निकालना है। देखो ए कैप माइनस बी कैप पहले निकलेगा फिर मॉड निकलेगा, तो ए कैप माइनस बी कैप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, तो मान लो मैं दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ए कैप माइनस बी कैप, और इसकी जगह क्या आता है, एक आर का वेक्टर आ जाता है, तो ए कैप माइनस बी कैप को माइनस करने के बाद एक वेक्टर आता है आर वेक्टर, तो मैं इसका मॉड निकालूं या इसका मॉड निकालूं, बात एक ही है। इसका मतलब मैं आपसे इन दोनों को माइनस करने के बाद, दो वेक्टर्स को माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा मैं उसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ आपसे। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो जब मैं ए कैप माइनस बी कैप, अगर मैं ए कैप माइनस बी कैप पूछता फिर तो आंसर वेक्टर ही आता, पर मैंने क्या लगा दिया उसके बाद, मॉड। मॉड का मतलब इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, यानी कि इनको माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने फॉर्मूला किया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होता था, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos θ। किसमें? आवाज क्या कह रहे हो? ऑनलाइन क्लियर है ये सारा, दिख रहे हो? यस। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में ए कैप माइनस बी कैप का अगर मॉड निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, ए कैप का मॉड इज अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1
इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा। तो मान लेते हैं जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल थीटा, तो ए कैप बी कैप में भी कुछ एंगल होता होगा, कितना थीटा। तो मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्या ये स्टेप क्लियर है? जैसे अगर यहां से क्लियर नहीं तो यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे सपोज करो कोई मुझे ये कहता है कि मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मॉड निकाल के दो, तो मैं ये मानता हूं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को माइनस करने के बाद क्या आता है, एक वेक्टर, और उसका क्या निकालना है, मॉड। मॉड का मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, मॉड का मतलब आर निकालना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं यहां पर आर की वैल्यू बोलो क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। समझ में आया यहां तक? लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे को क्वेश्चन में ए कैप माइनस बी कैप का मॉड गिवन है। तो चलो मान लेते हैं इसका आंसर आर वेक्टर है और मुझे फिर से क्या निकालना है, आर। तो इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड जो कि कितने है 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड जो कि कितने है 1, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए ये पहला स्टेप ही मेन है इसमें। पहला स्टेप समझ में आया कैसे ओपन किया इसे, बस खत्म। 2 कॉमन, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताऊं तो आप ये प्रूव कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा निकालने के लिए आपको कहीं मैथ्स में जाना पड़ेगा, फिजिक्स खत्म हो गई। तो मैथ्स में ये फॉर्मूला आपको मैथ्स के टीचर करवाएंगे, मेडिकल में नहीं करवाऊंगा। वो क्या, कॉस ऑफ 2 थीटा, हाफ एंगल प्रॉपर्टी होती है ये, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई जाएगी। कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैथ्स की आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। तो याद कर लिया फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद कर लिया। इसको मॉडिफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कई बार मैथ्स में कॉस 2 थीटा को लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक ही बात है। या कई बार ऐसा भी होता है कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला है, कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या ये स्टेप क्लियर है, फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई और तरीका है नहीं हमारे पास। क्या ये स्टेप क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है? अब इस फॉर्मूला की और मॉडिफिकेशन देखो कैसे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नोट करने वाली बात है कि अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल कितना है, थीटा, आधा एंगल है, 2 थीटा का आधा थीटा। अगर ये 4 थीटा होता तो ये क्या होता, 2 थीटा। अगर ये थीटा होता सिर्फ तो ये क्या होता, थीटा बाई 2। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये थीटा होता कॉस थीटा तो ये क्या हो जाता, थीटा बाई 2। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ, 1 माइनस कॉस थीटा एक तरफ। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा इसके इक्वल है, अगर ये एंगल 2 थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये थीटा बाई 2। ये भी फॉर्मूला क्लियर है? तो मैथ्स में ये फॉर्मूलास मैथ्स के टीचर कराते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, जो मैंने निकाल लिया 1 माइनस कॉस थीटा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रहा। तो मैं यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 इंटू 2 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर का अंडर रूट साइन थीटा बाई 2 आंसर। यही मुझे प्रूफ करना है, तो बिना मैथ्स के मैं इसे प्रूफ कर नहीं पाऊंगा। तो मैथ्स के मुझे फॉर्मूला चाहिए होंगे, बट कभी कभी यूज होते हैं, एक दो क्वेश्चन में यूज होंगे, तो आप इसे नोट करके रख लें। ये शीट मैंने गूगल ड्राइव पे शेयर की हुई है, आप आराम से इसको देख भी सकते हैं आराम से। पर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बिना मैथ्स के प्रूव नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें मैंने ट्राई किया था हुआ नहीं, तो इट्स ओके, अगर नहीं हुआ तो होना भी नहीं था, क्योंकि जब तक आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता आपका प्रूफ कैसे करोगे। पर अगर आपका यहां तक हो गया, मैं तब भी मानता हूं आपको फिजिक्स आती है, ठीक है, उसके बाद नहीं हो सकता था, उसके बाद मैथ्स की आइडेंटिटी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। क्या ये स्टेप क्लियर है लेकिन यहां तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमने किया था शायद डिस्कस, कि इसमें मैंने बताया ना, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो मन में मान लो ये आर वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, सॉल्व हो जाएगा। फिर उस तरीके ये भी हमने किया था, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने वाला, कोई डाउट इसमें? फिर हमने ये किया था कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब
आपने वैल्यूज पुट की थी, स्क्वायर किया था, आंसर आया था, ये नहीं किया था। कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया था? हो गया। एक इस क्वेश्चन में क्या मेंशनड है कि कोई वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 एंड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 6 और डायरेक्शन कहां पर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज 6 आई कैप। कोई डाउट इसमें? ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। इसके बाद अनदर वेक्टर बी वेक्टर, एक और वेक्टर बी वेक्टर है दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट्स एंड लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन है और ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंगल कितना है 30 गिवन, ये भी गिवन है। तो एक काम करते हैं, बी वेक्टर के तो कॉम्पोनेंट बना लेते हैं 4 cos 30 एंड 4 sin 30। क्लियर है यहां तक? बना लिए। बी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं 4 cos 30 4 sin 30। तो क्या लिखेंगे, 4 cos 30 आई कैप, 4 sin 30 जे कैप। तो ये स्टेप क्लियर है, 4 cos 30 आई कैप, 4 sin 30 जे कैप। तो cos 30 कितना है √3/2, sin 30 कितना है हाफ। तो सॉल्व करके बी वेक्टर आ गया। तो एक मेरे पास क्या आ गया ए वेक्टर, एक मेरे पास क्या आ गया बी वेक्टर। ये स्टेप क्लियर है, ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, बनाना आ गया बी वेक्टर, ए वेक्टर बनाना आ गया। स्टेटमेंट से क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने किया था, क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था लास्ट टाइम, आई कैप माइनस जे और के। तो ए वेक्टर क्या है 6 आई कैप, तो कोफिशियंट बोलो 6 0 और 0, बी वेक्टर का कोफिशियंट 2√3 2 और 0। तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट लेना, मैंने सिखाया था सारा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है। इसमें मेनली ये था कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, उसके बाद तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कर ही लेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक हो जाएगा ये सॉल्व। हाँ एक्चुअली वो जस्ट कोई फायदा नहीं उस 60 डिग्री का, बी वेक्टर ने एंगल बनाया 30 विद एक्स, तो ऑटोमेटिकली वाई के साथ क्या बनाया 60। पर अपने को एक ही एंगल चाहिए होता है कॉम्पोनेंट निकालने के लिए, कॉम्पोनेंट निकालने के लिए एक एंगल से कॉम्पोनेंट निकल जाते हैं, दूसरे एंगल की जरूरत पड़ती नहीं। वैसे उसने दे दिया वो बात अलग है, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक एंगल से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर आया, तो सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब जो सी वेक्टर है वो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। साथ में ये भी गिवन है कि सी की जो वैल्यू है, देखो वेक्टर नहीं लगे इनके ऊपर, सी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी के इक्वल है। पर अगर मुझे ये ना गिवन हो, मुझे सिर्फ ये गिवन हो, तो यहां से देखते हुए मैं क्या बोल सकता हूं, सी वेक्टर रिजल्टेंट है ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा, सी, सी क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो सी की वैल्यू आ गई, पर सी की वैल्यू उसने कितनी दी ए प्लस बी, तो सी की जगह क्या पुट कर दिया ए प्लस बी। तो इसको स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सब कैंसिल। तो कॉस थीटा सॉल्व करके क्या आएगा, सिर्फ 1 आ रहा है, 0 आ रहा है यार, गलत किया, 1 नहीं है सॉरी, 0 आएगा, गलत किया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से सॉल्व करके क्या आएगी 0। ओ सॉरी यार, ठीक है ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab से डिवाइड किया है ये मैंने, डिवाइड किया रहा है, एक ही स्टेप में कर दिया ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab इसके इक्वल है, 2ab कैंसिल डिवीजन में, तो आंसर 1। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा क्या आएगा 0 टर्न। ठीक है, तो आप खुद सॉल्व कर लेना इसे, बट पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो मेन स्टेप तो पहला यही स्टेप है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो वेक्टर की कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि कैसे करनी है इसमें? कितनों का हो गया था ये? हुआ था। कितने लोग एक्स्ट्रा बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं? कर रहे हैं, हो जाएगा अभी, फिर हो जाएगा। इतने लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही नहीं, जो नहीं कर रहा उसका कुछ नहीं निकलेगा, बस वो दिखेगा और चला जाएगा। ऑब्वियसली जो करेगा नहीं तो उसी उसको कैसे आएगा। ठीक, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल निकालना हमने सीखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो सॉल्व करें 29 आएगा यहाँ पे, 27 नहीं है ये, 29 है, करेक्शन कर लेना। तो बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ए वेक्टर पुट करो, बी वेक्टर पुट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ
बी पुट करो, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है आंसर। अब प्रॉब्लम यह है कि सॉल्व तो होने वाला है नहीं, वैसे इसका करेक्शन है यहाँ पे 29 आएगा, करेक्शन कर लेना, दिस इज इक्वल टू 29, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आएगा। अब ये आंसर आ गया, अब ये वैल्यू तो सॉल्व कर नहीं पाओगे कॉस थीटा में, तो आप कॉस इनवर्स करके छोड़ दो बस, जो भी आंसर है। वैसे ऐसे एंगल आते नहीं है, ये मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन बना रखा है तो ऐसे कुछ भी रैंडमली कोई एंगल आ गया, अदरवाइज एंगल नॉर्मली आते हैं। बट आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया, कितने को डाउट है? देखो हमने क्वेश्चन शीट में किया, कैसे किया, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन, नॉर्मली मैं आपको कोऑर्डिनेट्स देता हूँ 3, 2, 6 ऐसे, और इसका भी कोऑर्डिनेट देता हूँ, और वेक्टर आप बनाते हो, इसमें मैंने आपको वेक्टर दे दिया, तो मैंने कहा एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, तो पार्टिकल ए से बी पे गई, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर ए वेक्टर, 3i cap 2j cap 6k cap, और फिर वो कहाँ पर चली गई, बी वेक्टर, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, 14i cap 13j cap -9k cap, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ से कहाँ गया, पार्टिकल गया फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल ए से बी गया, तो ए से बी क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप अगर ट्राइंगल लॉ लगाएं तो एक ये वेक्टर ए वेक्टर है, आर ए वेक्टर है, ये इसको कंटिन्यू कर रहा है एस वेक्टर है, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, तो ये आर ए वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, इसकी क्लोजिंग साइड है। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जो क्लोजिंग साइड है आर बी वेक्टर वो क्या होगी, आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, तो क्लोजिंग साइड आर बी वेक्टर इज आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, क्लियर है? तो एस वेक्टर क्या आएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो आर बी वेक्टर पता है, आर ए वेक्टर पता है, दोनों को क्या कर लिया, माइनस आई को आई से, जे को जे से, के को के से, एस वेक्टर आ गया, कोई डाउट इसमें? वैसे इतना कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, जो लोग दो या तीन बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं उनको ये चीज़ याद हो जाती है कि जब भी पार्टिकल आर ए से आर बी पे जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होती है, ना तो उनको डायग्राम बनाना होता है, सीधा वो ये स्टेप लिखते हैं और अपने मन में आर बी और आर ए वेक्टर को माइनस करके सीधा आंसर निकालते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दो बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, और दो बार क्वेश्चन करने के लिए आपको घर में प्रैक्टिस और रिवीजन करनी पड़ती है, अगर हम वो करेंगे नहीं तो फिर हमें वो पहली बार ही लगेगा, और पहली बार तो ऐसे समझने को आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि शॉर्टकट्स अपने आप कैसे निकलते जाते हैं, जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो शॉर्टकट्स अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई डाउट इसमें? तो ये लो एस वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, वर्क डन क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर पता है, एस वेक्टर पता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, डॉट प्रोडक्ट, आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, हो गया, कितने को डाउट है? देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक, दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, हमने किया था, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आंसर देगा, जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट लें इनका इक्वल टू जीरो कर दें, तो आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई, आई डॉट आई क्या होता है वन, तो 4 × 2 = 8, 3m - 2 = 0 सॉल्व करके m कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि m की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें और इक्वल टू क्या कर दें, जीरो, ठीक। नेक्स्ट है फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने हमने सीखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ab, a वेक्टर b वेक्टर, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, आंसर हमने किया हुआ क्वेश्चन, शीट की भी प्रॉब्लम थी हमने की है, ठीक। नेक्स्ट फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है, आई के कोफिशियंट और जे के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, और आई कैप माइनस जे कैप क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर √2, एक आंसर आ गया।
डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट का एंगल बताओ, वो डायरेक्शन मानी जाती है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक वेक्टर क्या है आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वेक्टर क्या है जे कैप वाई के लॉन्ग। तो दो वेक्टर्स हो गए, इनका पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। पैरेललोग्राम ड्रॉ करके ये क्या आ गया इनका रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन निकालने का मतलब रिजल्टेंट का एंगल निकालना। अब रिजल्टेंट के केस में ये वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है वन, और ये मैग्नीट्यूड कितना है वन। तो अगर ये वन तो ये भी वन, क्योंकि सारी साइड वन वन लेंथ की है, क्योंकि सारा जो स्क्वायर है वो यूनिट वेक्टर से बना हुआ है। तो ये भी वन और ये भी वन, तो ये वन तो ये भी वन, ये वन तो ये भी वन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर ये वन और वन है तो इसका जो इसकी जो एंगल की वैल्यू होगी टैन थीटा या टैन बीटा वो क्या होगी, वन अपॉन वन, वन अपॉन वन टैन बीटा, तो बीटा क्या आएगा 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो सीधा पता लग ही रहा है कि एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के साथ आधा एंगल क्या बनता है डायगनल का 45। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ पर ये आई कैप है, ये जे कैप है, एक आई कैप है एक जे कैप है। तो जे कैप, ये जे कैप है, जे कैप मुझे आई कैप माइनस जे कैप चाहिए। तो अगर ये आई कैप है, जे कैप का उल्टा क्या होगा माइनस जे कैप। तो ये आई कैप, ये माइनस जे कैप। तो अगर मैं इनका पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँ तो ये डायगनल आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी आई कैप माइनस जे कैप। ये आई कैप है, ये माइनस जे कैप, तो ये क्या है आई कैप माइनस जे कैप। तो अगर ये एंगल मुझे निकालना है तो ये वन है, तो ये वन है, तो क्या आएगा टैन थीटा, अगेन क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टैन थीटा की या टैन बीटा की वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन वन, क्योंकि माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है वन होता है। तो ऑटोमेटिकली एंगल क्या आएगा 45। फर्क क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप में रिजल्टेंट ऊपर की तरफ बना हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप में रिजल्टेंट नीचे की तरफ बना हुआ है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट है। कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया? ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो फोर्सेस गिवन है, कितनी 10 और 6, एक 10 न्यूटन है और एक 6 न्यूटन है। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि डायरेक्शंस अननोन है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो मुझे मालूम नहीं क्या एंगल है। तो एक फोर्स 10 न्यूटन है, एक 6 न्यूटन है, एंगल क्या है दोनों के बीच में मालूम नहीं है मुझे एंगल। ठीक है भाई, अगर एंगल मालूम होता मैं रिजल्टेंट निकाल देता, रिजल्टेंट फोर्स। वो क्या कह रहा है, मुझे इसमें ये बताओ कि व्हाट आर द लिमिट्स इन विच रिजल्टेंट फोर्स विल लाई। तो रिजल्टेंट किन लिमिट्स में, ये लिमिट्स क्या होती हैं? अच्छा चलो, मैं फिजिक्स का पेपर देने जाता हूँ और 100 नंबर का पेपर है, मेरे मिनिमम मार्क्स क्या आ सकते हैं 0 और मैक्सिमम क्या आ सकते हैं 100। तो मेरी लिमिट क्या है मार्क्स लेने की 0 से 100। तो लिमिट का मतलब कि लोएस्ट और उधर से हाईएस्ट। तो सेम क्वेश्चन है, फोर्स की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है मिनिमम, और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो इसके अंदर एंगल तो पता नहीं, चलो एंगल थीटा मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगी, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, थीटा एंगल पे फोर्स क्या बनेगी अंडर रूट ऑफ f1 square f2 square 2f1 f2 cos of थीटा। तो ये स्टेप क्लियर है, एंगल मुझे नहीं मालूम कोई बात नहीं। अगर मैं फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहता हूँ, ये तो चेंज होने से रहे, तो कॉस थीटा की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी मैक्सिमम, कॉस थीटा की जितनी मैक्सिमम वैल्यू उसकी उतनी पुट कर दो, एंगल जो भी होता होगा जो पुट कर दो, ताकि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आए, ताकि फोर्स ऑटोमेटिकली क्या आ जाए मैक्सिमम। और मिनिमम फोर्स निकालने के लिए कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू पुट कर दो, कम से कम मिनिमम जो पॉसिबल है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी मिनिमम। तो इसीलिए मैक्सिमम फोर्स के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैथ्स में क्या होती है 1। तो अगर ये 1 है तो 10 square 6 square 2 into 10 into 6 into कितना 1, तो ऑटोमेटिकली फोर्स क्या आएगी मैक्सिमम, कितनी a प्लस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ गया 16। क्लियर है यहां तक? क्योंकि इसको जब 1 पुट करेंगे कॉस थीटा 1, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 10 plus 6 16। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 4,
मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 16, तो लिमिट क्या आएगी 4 और 16। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक, पॉइंट क्लियर है यहां तक, 4 और 16 के बीच में लाई करेगी, ठीक ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, मॉड का मतलब रिजल्टेंट, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का मतलब आर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि मॉड लग गया तो ओनली वैल्यू, इक्वेट कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, अंडर रूट कट गया, तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, तो क्या आएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4ab भी 0 से गया तो cos थीटा क्या आएगा 0, तो थीटा क्या आएगा 90, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वल टू व्हाट 90। पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं कि कैसे वैल्यूज को पुट करना है, रिजल्टेंट की वैल्यूज को कैसे पुट करना है। तो ए वेक्टर तो बी वेक्टर का मॉड समझ में आ रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड समझ में आ रहा है, तो मॉड में क्या वैल्यू, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में ये होता है। डाउट इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसे पीछे वाला, ये वाला कॉस थीटा की मैथ्स में वैल्यू मिनिमम माइनस वन होती है, मतलब थीटा दुनिया भर का जो मर्जी पुट कर लो, जो आपकी इच्छा है, कॉस थीटा की वैल्यू वन से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकती, और ऐसे मिनिमम वैल्यू माइनस वन से क्रॉस नहीं कर सकती। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो नहीं होती, मिनिमम जीरो से कम भी होती है, माइनस वन भी होती है, ठीक। जैसे पाई, कॉस पाई इज माइनस वन, 180 कॉस 180 सॉल्व करोगे ना माइनस वन आए, उससे नीचे नहीं हो सकती, तो ये याद करना पड़ेगा, जो मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की माइनस वन है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट, हमने कंपोनेंट्स के क्वेश्चन किए थे, याद करो कंपोनेंट्स में सेम क्वेश्चन डाल दिया था, इसमें हो गया था कितने लोगों से, हो गया होगा। ये आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर गिवन है, इसका कंपोनेंट निकालना है किसके ऊपर, आई कैप प्लस जे कैप के ऊपर एंड आई कैप माइनस जे कैप के ऊपर, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैंने ए वेक्टर लिया, ये मैंने क्या लिया, बी वेक्टर ले लिया जिसका नाम क्या, आई कैप प्लस जे कैप, तो मुझे इसका कंपोनेंट इस पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर, और ये थीटा लेते हुए इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा, ए कॉस थीटा, कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर का मतलब कि डायरेक्शन कहाँ पर है, बी कैप। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप याद है सबको, कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता था, डायरेक्शन बी कैप बताता था, ए कॉस थीटा कैसे निकलता था, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहां से ए कॉस थीटा एक तरफ, बी को नीचे ले आएंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, तो ए वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बी वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो आंसर आएगा 5/√2, तो क्या आ गया, ए कॉस थीटा आ गया। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ए कॉस थीटा निकाल लोगे, फिर मुझे क्या निकालना है, बी कैप, क्योंकि ए कॉस थीटा के पीछे क्या लगेगा, बी कैप, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये रहा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 2, बी कैप आ गया, बी कैप आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, तो नीचे ए कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, बी कैप की जगह बी कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है, फिर सेम क्वेश्चन है, ए वेक्टर का कंपोनेंट किस पे निकालना है, आई कैप माइनस जे कैप पे, अब सारा क्वेश्चन रिपीट है, आई कैप प्लस जे कैप की जगह आई कैप माइनस जे कैप, तो क्या होगा इसमें, ए कॉस थीटा अलोंग बी कैप, सेम चीज, ए कॉस थीटा में क्या चीज चेंज होगी, बी वेक्टर, ऊपर वाले क्वेश्चन में आई कैप प्लस जे कैप था, इसमें आई कैप माइनस जे, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, ये रहा, तो ये क्या आ गया, ए कॉस थीटा, बी कैप क्या है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड क्या है, बी, तो ये क्या आ गया, बी कैप, तो ये क्या आ गया, ए कॉस थीटा, ये क्या आ गया, बी कैप, तो ए कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, बी कैप की जगह बी कैप, आंसर। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, सेम चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया? हो गया, कितनों को डाउट है? डाउट देखो, इफ ए क्रॉस बी इज जीरो, वो कह रहे ए क्रॉस बी क्या है? जीरो। और सिमिलरली ए डॉट बी क्या है? जीरो। ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या है? बी वेक्टर के साथ जीरो। तो डज इट इंप्लाई दैट वन ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर मस्ट बी अ नल वेक्टर? तो क्या ये बताता है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो है? ओके एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी जीरो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी जीरो है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो क्या हमें बताता है? ए बी साइन थीटा जीरो है। और डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है? ए बी कॉस थीटा जीरो है। इकट्ठे मेरा दिमाग जाता है एंगल पे। अगर मैं ये मानता हूं ये ए और बी इनमें से जीरो नहीं है तो साइन थीटा जीरो है। साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना है? जीरो। इसका मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जीरो है, हमने लास्ट टाइम भी प्रॉपर्टी की थी, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा क्या होगा इसमें? जीरो होगा। सही है। और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उस केस में दो एंगल्स क्या होते हैं आपस में? 90 डिग्री। अब एक स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि दोनों कंडीशन इकट्ठी ट्रू है, वो बोलता है अच्छा ठीक है एंगल जीरो भी एंगल 90 भी है, ये कैसे हो सकता है यार? दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है? नहीं 90 भी इकट्ठा ही है, ऐसे कैसे? या तो जीरो होगा या 90 होगा। इसका मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशंस इकट्ठी सही माननी है तो एटलीस्ट एंगल तो सही आंसर देगा नहीं, मतलब ये, क्योंकि अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो थीटा जीरो लूंगा, और अगर मैंने थीटा जीरो ले लिया तो यहां पे जब थीटा जीरो पुट करूंगा मेरा आंसर जीरो नहीं आएगा, और अगर मैं इसकी बात सुन लूंगा 90 और साइन 90 लूंगा तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा कि एंगल का तो एंगल तो पता नहीं क्या इनके बीच में, एंगल पे ध्यान मत दो, ए या बी में से कोई एक वैल्यू जीरो पक्का है, क्योंकि अगर ए भी जीरो हुआ तो पूरा रिजल्ट लेफ्ट और राइट इकट्ठा क्या हो जाएगा? जीरो। या अगर बी भी जीरो हुआ तो भी इकट्ठा क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ए और बी साइमल्टेनियसली, ए और बी में से एक वैल्यू पक्का जीरो है ही है, और ए जीरो होने या बी जीरो होने का मतलब दोनों में से एक कोई नल वेक्टर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एंगल से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन ए और बी जीरो करके आएगा। हाँ, अगर मुझे सिर्फ यही गिवन है तो फिर कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो वो गिवन ही नहीं है, सिर्फ यही चीज गिवन है तो फिर ए भी जीरो हो सकता था तभी आंसर जीरो आएगा, बी जीरो हो सकता है तो भी आंसर जीरो आएगा, थीटा जीरो हो सकता है तो भी आंसर जीरो आएगा, पर इसने दो केस इकट्ठे दिए। ठीक है, इक्वेट करें, नॉट डिफाइंड आएगा, डिवाइड करेंगे जीरो बटा जीरो, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर डिवाइड करें तो जो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा जीरो बाय जीरो, हाँ इक्वेट कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ डिवाइड भी कर देते हैं ना, तो मैं तो गलत नहीं बोल रहा, डिवाइड भी कर सकते हैं ना, तो जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड, कर नहीं पाएंगे। मैथ्स की इक्वेशन तभी वैलिड है जब किसी भी तरीके से आंसर एक आंसर आएगा, एक नहीं आ रहा ना तो आप इक्वेट भी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं भी आंसर सेम आता, तो हम क्या करते हैं जब फिक्स नंबर्स होते हैं ना फिर आप कर सकते हो, जीरो के साथ ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जीरो के साथ नहीं हो सकता, क्लियर है यहाँ तक? तो इक्वेट नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर निकालना है तो कर लोगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और माइनस रूट 26 नहीं आएगा, 26 आएगा यहाँ, 26 करो यहाँ, रूट ऑफ 26 आएगा यहाँ पे, ये लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? ठीक। नेक्स्ट है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, भाई पहले रिजल्टेंट तो निकाल लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये आ गया रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये रहा। ये भी क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? एक नया टॉपिक है ये, हमने किया नहीं, डायरेक्शन को साइंस, इसको एक बार देखते हैं।